नायब सैनी बहुत बढ़िया नेता हैं, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, अब दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे इनको। ऐसा है कि जब 5 साल सैनी साहब को मिल गए तो आगे 5 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीएम साहब को वैसे ही आ जाएंगे। ऐसा सीएम ना हमने पहले कभी देखा ना देख पाएंगे। सीएम साहब तो हमारे एक नंबर के हैं, इन्हें तो हमारा सब क्यों कर दिया और क्या कर साहब है। साल और मिल गए तो क्या करेंगे वो, तो क्या क्या कर देंगे, सोने चुड़िया बना दे सोने चुड़िया। लेकिन मैं खुद भी मिला नायब सैनी से, अच्छे विचार है उनके अंदर, ऐसी नहीं है भाई मैं सीएम किसी से नहीं मिलना, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी जाके, आम इंसान जाके नायब सैनी से मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। अब हरियाणा चुनाव का प्रचार थम चुका है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे आने हैं। इसी बीच हम जुलाना गांव में पहुंचे हुए हैं, यहां पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी को कुछ ही समय मिला है उनको सीएम कुर्सी के मिले हुए। उन्होंने कहते हैं वो जनता के नेता हैं, जनता को सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। उनके जो घोषणाएं की हैं वो उन पर खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, यहाँ पर लोग कई मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं सीधे। भैया क्या नाम है? मोहन भाई साहब। क्या माहौल है यहाँ पर? बहुत बढ़िया भाई साहब। कैसे हैं सीएम साहब, 56 दिन मिले उनको? भाई साहब उनने जो साल मिल जाना ना सबके ऊपर 1 लाख कर दें दे, सबसे अच्छे हुए हैं उनने, के नहीं करा सबके में कर दिया। देखो इब तो पहले कहे थे इब 10,000 कर दिए, पहले 6,000 थे 10 कर दिए, आज सब कहे वो आली किस्त 10,000 कर दिए। अच्छा 61,000 रुपये जो किले नहीं वो ला रहे ना बुरे, उन्हें किले वो दे दी, सब पीछे दिए हैं। अरे बाबूडा साहब की बताऊँ तुमने, मैं खुद बन जाए लेके आता भाई, 11 लाख रुपये दे लेके गया था पहले खुद गुड़गांव में, तो मेरा खुद मेरी बन जाएगा उन्हें सूसर ने 11 लाख रुपये लेके आने बोलिया 19 लाख दे दे। अरे दंदे फिर उल्टा पे क्या बोलिया पंडित जी आपका नंबर तक हो रहे बन जाए फिर भी नौकरी हाथ पाँच जोड़ के कह दो था परिश्रम था अभी वो उसमें छोटे हिमू लाया था वो विषम आ के मोदी वाले यहाँ के ला गया मैं साहब बेचारा नहीं तो नहीं के वो था कुछ नहीं। तो कह रहे 56 दिन में ही अपना छाप छोड़ दिए कह रहे सीएम ने? हाँ कुछ नहीं, सीएम साहब तो हमारे एक नंबर के हैं, इन्हें तो हमारा सब क्यों कर दिया और क्या कर साहब है। जब सीएम साहब ये होंगे ना पहले साल भर पहले होंगे तो हमारा सब पूरा वो कर देंगे। सीएम साहब तो बहुत अच्छे हैं और उतना करने लाग रहे हैं, हाँ विकास बहुत करना ली तो तेल की मिलाया करता नहीं बताओ ने सीएम साहब ने ही बना के है रहे तो लोग तो बधेरे धक्के खाने आ रहे हैं वो भी खा है फिर वो भैंस के है खाओ और बैठू लागली मारते हैं हाथ मारे हैं पत्थ है वो तो आदमी से जी आप करा सच्ची। कहते हैं नायब सिंह सैनी का 24 घंटे दरबार खुला रहता है। खुला रहे है जी, फोन कर लिया तभी भी बोल लगा ये पुराना वो है उसका मुद्दा उसका यो है जो आदमी सब ने बोल रहा है गरीब हो चाहे अमीर हो और जाट हो चाहे बमण हो सबके लिए एक सा है सत्य उसके साथ है जी। और आज भी हम नुरके मारे कहा उस बने मारा कोई नहीं है, कोई नाराज तो नहीं है उनसे मतलब जमा भी नहीं रुक के मार के दोबारा इप के है तीन बार आए बार बनागा वही ना साल और मिल गए तो क्या करेंगे वो तो क्या किया कर देंगे सोने चुड़िया बना दे सोने चुड़िया। हाँ हरियाणा सोने चुड़िया बना देंगे पक्की गारंटी है। हाँ उम्मीद है उनसे मतलब पक्की जमा 100% 100% हाँ। क्या नाम है आपका? सूरज मुल्लाम जी। कैसे मुख्यमंत्री है नायब सिंह से? बढ़िया मुख्यमंत्री है जी। हाँ। वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे जी, करे शपथ मैं बाद में लूंगा पहले उनको पक्का करूंगा। हाँ। लोग यहाँ पे कह रहे हैं वो जनता के सीएम है कह रहे हैं? नहीं सबके सीएम 36 बिरादरी के सीएम है जी। वो कच्चे कर्मचारियों के भी उनकी भलाई के लिए कह रहे बाद में मैं शपथ लूंगा पहले उनको पक्का करूंगा। तो बिना खर्ची पर्ची वाला सिस्टम चल रहा है कि नहीं? बिना खर्ची बिना पर्ची के सिस्टम है जी बीजेपी सरकार में। खुश है यहाँ के लोग? सब लोग खुश हैं जी। किसानों को कह रहे 24 फसलों पे MSP देंगे? हाँ देंगे जी, वो पूरी दे दिया। मेरे खाते में पीछे आ रहे मेरा फोन में देख लेता है। हाँ सबका हाँ आ रहे हैं सबको मैं दे दिया 61,000 रुपये सबको दे रखे है। हाँ भैया बात कहूँ हाँ रुके मारे आज सब जो घोषणाएं की थी वो धरातल पे उतर गया आज। हाँ जब सबकी पूरी कर दी तो बताओ और क्या आकर है। और जो आगे घोषणाएं की है उन पे भी खड़े उतरेंगे? खड़े उतरेंगे पक्के उतरेंगे। उन्हें तो बताओ ना जब मोटा 16 लाख रुपये दिए उन्हें तो काम नहीं बनिया और मैंने 1 रुपये भी नहीं दिया मेरा वो ला गया मेरा खुद बन जा सरकार नौकरी लगा फ्री में लग गया तो बताओ ना आप उड़ा लागे 16 लाख रुपये नाट के 19 मांगे फिर भी टाला होगी मेरा बन जा
पुलिस में लग गया लगता भी टाला होगी, फिर आड़ लग गया इसमें रेल में उच्चारण टूटी है फ्री में लग गया तो इनकी मेहरबानी और किसकी है। तो हुड्डा जी में नहीं लगते थे क्या? कहाँ वो हुड्डा तो 19 लाख रुपये मांगे थे, क्या लग रहा? हाँ तो मांगती पर उड़ एसीबी भी लेकर गए, गुड़गांव वाला मेरा खुद वो है, उन्हें लेकर गए, जमीन कौन दिया ना हट गया आने वाला अभी तो फिर देखियो। हाँ ना जाट हो सके कोई भी हो सके वो किसी का नहीं, ये जाट का बम लगा किसी का नहीं है। हम तो न्यू हाँ यो है सत्ती बिरादरी का, इन्हें तो जमाती मेरा तो खुद बनता लग रहा है, उच्चारण ड्यूटी है, राजेश नाम है और अपने उस पर रेलवे पर है और टिकट कट है आज भी और जमा बना पर्ची बना खर्ची नू लाग रहा है और नी पुलिस में था 19 लाख रुपये देने का हाँ भर ली थी, फिर भी टाला कर दी थी, देख लो। चलिए धन्यवाद आपका। सतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री है नायब सिंह? मुख्यमंत्री तो हमारे ऐसे हैं जी, हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो कि हम इनका धन्यवाद कर सकें, इतने अच्छे मुख्यमंत्री हमने कभी देखे ही नहीं थे, बहुत ही बढ़िया। कहते हैं 24 घंटे उनका दरबार खुला रहता है, जनता के सीएम कहते हैं। बिल्कुल दरबार खुला रहता है जी और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। कह रहे किसानों की 24 फसलों पर MSP देने। हाँ हाँ बिल्कुल, खरी बिल्कुल खरी खरी हो रही है जी, सालाना 6,000 रुपए बिल्कुल अब 10 कर दीजिए, 10 भी आ रही है तो आएंगे, उम्मीद है आगे पास उम्मीद बिल्कुल 100%। ऐसे मुख्यमंत्री कभी हम देखे नहीं, आए नहीं और ना आएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री। चलिए धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह, मेरा गांव आसन है, मेरा गांव आसन और जिला जींद है। मैं नायक समाज से विलोम करता हूँ और दी न्यूज देखने वाले जो भी मेरे भाई बहन है, नौजवान साथी हैं, बड़े बुजुर्ग से भी हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हरियाणा का बताइए माहौल क्या चल रहा है? हरियाणा का माहौल हमारी तरफ में तो अपने कैप्टन साहब का ज़्यादा है, बीजेपी है यहाँ और सरकार भी मेरे ख्याल से बीजेपी की आएगी, क्योंकि हमारे में कि नायब सिंह सैनी को कुछ ही समय मिला है यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पर। हाँ। कैसी अपने छाप छोड़ी है या नहीं? हाँ नायब सिंह ने अपनी अच्छी छाप छोड़ी और करीब 1.5-2 महीने में इन्होंने इतनी छाप बना दी कि काफ़ी नौकरियां दे दी, 1.25 लाख नौकरी तो इन्होंने पक्की कर दी, जिसमें मेरे परिवार से भी और कई जो मेरे थ्रू में ने जो बच्चे लग रहे थे वो पक्के कर दिए इन्होंने, मैंने देखे बिना खर्चे बिना पर्ची। ठीक है ना, जो पहले ठेकेदार के थ्रू चलते थे ना वो इन्होंने आके पक्के कर दिए सभी लोग। हाँ तो कितना परिवर्तन आया उनके नायब सिंह सैनी के आने? देखो 10 साल का पीछे का आप उठा लीजिए हर गांव का और 10 साल का आपका उठा लीजिए, पहले कितने बच्चे लगे हैं और इस सरकार में कितने लगे 10 साल में, और 10 साल का तो छोड़ा आप 2 महीने का उठा लो, 2 महीने में काफ़ी काम कर दिया नायब जी ने, बहुत अच्छे नेचर के हैं, अच्छी छवि है इनकी। जो भी वादा किया था वो निभा पा रहे हैं या यहाँ पर जो बोले 6,000 बोले थे 24 फैसलों पर MSP देने का? जो वादा करते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं, देखो वो कभी झुकते नहीं, वो जो करते हैं जो कहते हैं वो करते, ये नहीं है वो पीछे अफवाह चला था पिछले इलेक्शनों में अकी इतने रुपये आएंगे इतने, ऐसा कुछ नहीं, हमारी सरकार जो वादा करेगी ना वो पक्का करेगी, विश्वास हमारे प्रधानमंत्री पर मैंने। कहते हैं यहाँ पे नायब सिंह सैनी का दरबार 24 घंटे खुला रहता है, क्या बात सही है? हाँ सही है, मैं खुद भी मिला हूँ उनसे, देखो मैं बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ लेकिन मैं खुद भी मिला नायब सैनी से, अच्छे विचार हैं उनके अंदर, ऐसी नहीं है भाई मैं CM हूँ किसी से नहीं मिलना, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी जाके आम इंसान जाके नायब सैनी से मिल सकता है। 36 बिरादरियों को साथ लेके चल? हाँ 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 36 बिरादरी को, ये नहीं है भाई कोई अलग बिरादरी का, अब जाट बिरादरी का, जाट भी तो हमारे भाई हैं, वो कहीं पाकिस्तान से थोड़ा रहे हो, वो भी हमारे भाई हैं और जितना समाज हिंदुस्तान के जितने लोग बैठे हैं वो सभी हमारे भाई हैं, कोई भेदभाव तो नहीं? नहीं 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 हमारा कोई भेदभाव नहीं है, देखो मेरे गाँव में मेरे एरिया में मेरे जिले में ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई किसी से डरता ना कोई किसी से दबता ना कोई किसी को दबाता है, दबाता भी नहीं है अभी तक, ठीक है मोल हमारे इसमें। हाँ सभी बिरादरी का देखो इस इलेक्शन में भी ने ऐसा नहीं भाई जाटों की वोट नहीं आएंगी, किसी जाति के बारे में जो बंदा गलत बोलता है ना वो भी गलत है, ठीक है सभी बिरादरी एक है और हमारा धर्म मानवता है, रियल में तो मानता धर्म होता हमारा। अभी उनको 56 दिन मिले हैं, अगर 5 साल और मिल गए तो कितनी उम्मीदें हैं आपको? हमारे को उनसे 99% उम्मीद है, 99% आगे हमारा हरियाणा सुधरेगा, बेरोजगारी मिटेगी और जो युवा साथी हैं उनको नौकरियां मिलेगी, हमारे तो एक है हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा कहते हो और लेकिन मेरा एक नारा है अब
पढ़ाओ, नॉन स्टॉप नौकरी पाओ, ये मेरी तरफ से नारा है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, हमारा जो भविष्य है उसको आगे बढ़ाओ, पढ़ाई पे बच्चों को जोर रखो, ठीक है। जैसे पहले तो जो पैसे वाले थे वो लगते थे, और इस सरकार में क्या हुआ है, बगैर पैसे वाले, ठीक है, कोई DSP लग रहा है, कोई SP लग रहा है। ये हमारे UP में लगा था पवन जी, वो झोपड़ी में रहने वाला था, IPS अधिकारी लगाया हो, मेरे जैसे कि औकात नहीं, झोपड़ी में रह रहा जो बच्चा, वो IPS कैसे लग सकता है, उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। भी लगते थे क्या यहाँ पर? नहीं, पहले नहीं लगते थे, नहीं लगती सरकार थी। नहीं, उड्डा सरकार तो अपने हरियाणा में आ गई, वो तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, जो IPS लग गया है जी। धन्यवाद आपका जी। रामपुर नाम है भाई साहब मेरा। क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है आपको? ऐसे भैया, हरियाणा में BJP एक ही तरफी आने वाली सरकार है, और ये जो कांग्रेस सरकार है इससे हमें वो नहीं है। जो BJP एक सरकार आ जाए, नायक सैनी ने काम हमारे बहुत किए हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची जो बच्चे लगे हैं। जैसे कांग्रेस सरकार थी उसमें पैसे दे दे लोग पीछे घूमते थे भाई, टोना पड़ते थे मंत्री भाई, दौड़ा कुर्ते पजामे वाला है ये सरकार में। क्या मंत्री हैं नायब सिंह सैनी? बहुत अच्छे हैं जी, बिना पर्ची बिना खर्ची पैसे लग रहे, काम भी बहुत किए हैं। जैसे भाई योगेश ने ही है, उस दिन आए ना 1200 बच्चे तो यहाँ से पीदम उसी दिन लगवाए, आते ही लगवाए भाई साहब, योगेश ने ही लगवाए हैं 1200 खर्ची पर्ची के बिना, बिल्कुल बिना पर्ची बिना खर्ची योगेश भाई ने लगवाए हैं। भाई योगेश यही कहता है हम सरकार आ जाएगी, सरकार पक्की है, सारा वो कर रहा है भाई। आने वाले अगर 5 साल और मिल गए नायब सिंह सैनी को, अभी तो 56 दिन ही मिले हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं उनसे? ये हरियाणा एक सोने की चिड़िया ही बन जाएगी, इससे बड़ी उम्मीद क्या होगी। ये अभी कोई गरीब नहीं रहेगा बच्चा, सभी को साथ लेके चल रहा है। इसमें 36 बिरादरी आ रही, हमारे जाट भाई भी हैं, बिरागी भी हैं, और सब सारी बिरादरी हैं, सबको साथ लेके चला, गरीब और मेरी सब जातियों में हैं। हम ये नहीं कहते भाई गरीब जाटों में नहीं है, गरीब जाट हैं हमारे साथ हैं भाई, सभी वो भी साथ चल रहे हैं। लेकिन जो तानाशाही जो कांग्रेस ने किया है, लेकिन वह नहीं चलेगी भाई ने। ये घोषणा किया है कि हर आदमी ये कहता है भैया अगर तुमको कोई दबाता है तो हमको बताओ, हम 10 मिनट में फैसला करके आपको देंगे। धन्यवाद आपका। ताऊ जी क्या नाम है? मन्ना। ताऊ जी क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल खूब तकड़ा है दीदी, खूब तकड़ा माहौल। कल वोटिंग होने वाली है? हाँ, वोटिंग होने वाली है, तो खूब जोर लगाएंगे, खूब लगाएंगे। तो कह रहे हैं नायब सिंह सैनी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, क्या लग रहा है आपको? हमको तो बहुत लग रहा है जी। कैसे मुख्यमंत्री हैं ताऊ जी? मुख्यमंत्री सही है यार, सैनी साहब भी सही है, भूख करने लग रहा है, ये भी पूरे सौदे देने लग रहे हैं। हम 2000 हथियार कर दिए, और सुक्का के अल्लाह के खूब दिन लग रहा है। मुख्यमंत्री सही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम सरकार में आए तो जो 70 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग हैं उनको हम 5 लाख से ऊपर का फ्री इलाज देंगे, बोल रहे हैं। फ्री इलाज है जी मारा जमा, तो खुश हैं आप ऐसे मुख्यमंत्री से? खुश हाँ जमा जी, खुश खुश। 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं वो? चल रहा 36 जात को। हाँ, खुद जमा सीम तक जमा जोड़ के खुद राजी। हाँ जमा, हुड्डा जी में क्या था थोड़ा बताइए हमें। हुड्डा जी में क्या था जी, पीछे लोगों भर्ती कर रहे थे, इसमें ऊँ फरी लागन लाग रहे सोरे, अरे ये तो नुके नु लाओ है बिना खर्ची बिना पर्ची के, बोल रहे हैं। हाँ, बिना खर्ची बिना पर्ची, ठीक को हो जी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हम खर्ची पर्ची से लाएंगे। हाँ, खर्ची पर्ची तक लाएंगे, ये तो कोई खर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, फ्री करने लग रहा है। हाँ, बढ़िया मुख्यमंत्री है मतलब। हाँ सही है जी। हाँ, कहते हैं 24 घंटे उनका दरबार खुला रहता है लोगों के लिए। हाँ, खुला रहा है जी तमा 24 घंटे। हाँ, अरे यू और बन गया था, हम तो इस तक नुका है, ये भगवान बना इस थी। हाँ, अभी 56 दिन ही मिले हैं उन्होंने। सही है, 56 दिन मिले। हाँ, अगर आने वाले 5 साल और मिल गए तो क्या करेंगे वो? केक एकदम मल्लो माल कर देंगे हरियाणा में, हरियाणा में मल्लो माल। हाँ, सारी चीजों के ठाट। हाँ, धन्यवाद ताऊ जी आपका। फूल सिंह जी, कैसे मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी? बहुत बढ़िया, अच्छा आदमी है जी। हाँ, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं जी। 24 घंटे मिलता है पब्लिक को, और अच्छे अच्छे काम कर। 56 दिन ही मिले हैं, छाप छोड़ दी कह रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया करा, 56 दिन में भी कुछ काम करे है, घोषणा करी है। आगे आएगा ये दोबारा, फिर आएगा जब काम करेगा, बहुत बढ़िया। फसलों पर MSP की खरीद हो रही है? हाँ, खरीद हो रही है, खूब हो रही है जी। हाँ, खूब हो रही है जी। जो 6000 मिलते थे अब 10000 कर देंगे। हाँ जी, कर देंगे, मैं करेंगे।
कह दिया तो करेंगे जी। यकीन है उन पे? हाँ कीन है जी है? हाँ पूरा कीन है हमारे को। खुश हैं आप? खुश हैं जी, जमा है। जमा खुश हैं, उनको बनाएंगे, अभी भी बनाएंगे आगे है। और मुख्यमंत्री दोबारा फिर बनेंगे वो, उनके बहुत बढ़िया अच्छे काम है करते हैं और बनेंगे वही वही। हुड्डा जी में क्या था? हुड्डा जी तो पक्षपाती आदमी थे जी, वो एक पक्षपात करते थे, वो एक दूसरे को जुलाना की तरफ देखा कभी? कभी नहीं देखा जी उनको, उन्हें जुलाने की तरफ कभी नहीं देखा। जुलाने से पीछे लखन माजरा को तो रोड बढ़िया बनाया, नून बम्बेवा को बढ़िया बनाया, जींद जुलाने के लिए कुछ नहीं किया हमने। कितनी उम्मीदें हैं आपको नायाब सिंह सैनी से, अगर 5 साल और मिल गए उनको तो? उनको बहुत उम्मीद है जी, बहुत नौकरियां देंगे और बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिलती है, मिल रही है, अभी भी मिल रही है जी। हर एक गाँव के लिए 20-25-30-40-50 बच्चे लग आई लिस्ट को लगते हैं, आई लिस्ट में जी। खुश है मतलब? खूब लगते हैं जी, बिना पर्ची। धन्यवाद। ताऊ जी क्या नाम है? मेरा नाम राम भगत है। क्या लग रहा है ताऊ जी, कैसे सीएम है नायब सिंह सैनी? नायब सैनी बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, अब दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे इनको। हाँ जी, कहते हैं बहुत कम समय मिला उनको, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। 56 दिन मिले हैं जी, 56 दिन में इतनी घोषणाएं कर दी हैं, अगर विकास होगा, सबको साथ लेके चलने वाले नेता हैं, और सब 36 बरादरी इनके साथ है, बरादरी भी 36 है, इनकी इनको भी भेदभाव नहीं है, और जनता को भी इनके प्रति कोई भेदभाव नहीं है, ये सारी जनता को साथ लेके चलने वाले नेता हैं। हाँ जी, वादे किए हैं किसानों को, कहते हैं हम 24 फसलों पर MSP देंगे। MSP देंगे, आने वाला टाइम में सबका साथ, सबका विकास, सबका काम होगा जी, सबका साथ देने वाले नेता है ये, बहुत बढ़िया काम करते हैं। 56 दिन के अंदर इन्होंने बहुत घोषणाएं की हैं, और हल्के का इसका हरियाणा का विकास करेंगे। हाँ, कितनी उम्मीदें हैं आपको उनसे? बहुत उम्मीदें हैं जी, बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं हम इनकी, सारा समाज का भला कर देंगे, बहुत बढ़िया नेता है जी। कहते हैं उनका 24 घंटे उनका दरबार खुला रहता है, लोग मिलते रहते हैं। हाँ, दरबार खुला रहता है जी, सही है। हाँ सही बात है जी, वो तो सोते ही 1-2 घंटा है, बड़ी मुश्किल से सोने पाते हैं, 24 घंटे ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं, कोई आए सबका सम्मान करते हैं और सबको काम देते हैं, सबको अच्छी घोषणाएं करते हैं। हाँ जी, तो बताइए कैसे सीएम बनेंगे अगर 5 साल और मिल गए उनको? 5 साल और मिल गए तो बहुत विकास करेंगे, हरियाणा का विकास हो जाएगा, सारी जनता को साथ लेके चलते, 36 बरादरी का भला करेंगे। क्या नाम ताऊ जी? ऐसा है कि जब 5 साल सैनी साहब को मिल गए तो आगे 5 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीएम साहब को वैसे ही आ जाएंगे। हाँ, वैसे ही आ जाएंगे। हाँ, इतना काम कर देंगे, कह रहे हैं यहाँ पे लोग कि 56 दिन में उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। हाँ, बहुत बढ़िया छाप छोड़ी है। हाँ, कहते हैं तरह तरह की घोषणाएं कर दी, किसान भी खुश है, कह रहे हैं सब 36 बिरादरी खुश है। ऐसा सीएम ना हमने पहले कभी देखा ना देख पाएंगे, इतना बढ़िया सीएम है। हाँ, पूरे हरियाणा की सुध ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं जमा, बिल्कुल हरेक एरिया की सुध, कोने कोने तक जाते हैं हरेक एरिया में। 36 बिरादरी खुश है मतलब? खुश जमा, बिल्कुल खुश। ये तो राजनीति स्टैंड बना लेते कद आदमी नहीं, 36 बिरादरी खुश है। इससे नौकरियां लग रही है यहाँ पर? खूब लग रही है, मैं बगैर पैसे, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के पैसे नौकरी लग रही है बच्चे भाई। हुड्डा जी में भी था ऐसा कुछ? ना ना, हुड्डा जी के में ऐसा नहीं था, प्रचार पर्ची पैसे चलते थे। हाँ, जिसके ज्यादा पैसे चल गए उसके, जिसका नाम आ रहा उसका नाम काट दिया, झूरा चढ़ा, यही काम था। ऐसा है अब? ऐसा नहीं है अब, ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बढ़िया है, परिवहन अवस्था बढ़िया, सारा सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया कर दिया, बढ़िया कर रहे। धन्यवाद ताऊ जी।